नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड। कुवैत की दो बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। दोनों अपडेट आपको जान लेनी जरूरी है। बता दूं, फर्स्ट में बात कर लेते हैं अपन कुवैत के रेजिडेंशियल वीजा के बारे में। जी हां साथियों, जो वीजा एक्सपायर हो चुके हैं उनका क्या होने वाला है। सेकंड टॉपिक पे हम बात करेंगे 21 फरवरी से जो फ्लाइटें चालू हो रही है कुवैत के लिए, जी हां उससे रिलेटेड वहां के कुवैत अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने क्या बोला है, सरकार की तरफ से क्या अपडेट आया है, दोनों अपडेट आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है। वीडियो पूरा देखिए, 3 से 4 मिनट में हम पूरी डिटेल से बात कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले वेब पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज कुवैत से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो साथियों आपको पता है कुवैत के रेजिडेंशियल वीजा, जी हां साथियों सबके वीजा एक्सपायर हो चुके हैं। आपको पता है लगभग 1,82,000 के करीब वीजा एक्सपायर हो चुके हैं। इसकी डेट बता दूं 12 मार्च 2019 से लेके बता दूं 10 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूं, एक साल के लगभग मान सकते हैं 10 महीने में 1,82,000 प्लस वीजा एक्सपायर हुए। ये कौन से वीजा थे, जो लोग कुवैत से छुट्टी गए थे अपने अपनी कंट्रीज में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और भी बहुत सारी कंट्री के लोग कुवैत में रहते हैं, वो लोग सब आ गए थे। आपको पता है मार्च के बाद में लॉकडाउन लग गया, उस बाद में लोग जा नहीं पाए, कुवैत में फ्लाइटें बंद थी, तो उनकी संख्या 1,82,000 निकली है अभी तक की बात करें तो, 10 जनवरी तक की डेटा की बात करें तो। जी हाँ, लेकिन अब क्या होगा, अभी सरकार ने एक अच्छा अपडेट, सरकार की तरफ से न्यूज निकल के आ रही है कि सरकार ने बड़े स्तर पे इन वीजा को रिन्यू करने का स्टार्ट कर दिया है। कौन से होंगे जो 10 जनवरी 2021 तक वीजा एक्सपायर हो चुके हैं, जी हाँ उन वीजा को सरकार रिन्यू करने जा रही है, बहुत अच्छी न्यूज है। और कौन सो ऑनलाइन रिन्यू होगा, ऑनलाइन आपका वीजा रिन्यू हो जाएगा, स्टेटस चेंज हो जाएगा आपका वीजा का। जी हाँ, तेजी से काम जारी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको खुश हो जाना चाहिए कुवैत वालों के लिए। और भाई बता दूं 21 तारीख से फ्लाइटें स्टार्ट होगी कुवैत की। अब देखना ये होगा कि इसमें इंडिया का नंबर आएगा नहीं आएगा, फ्लाइटें बंद है चालू है वगैरह वगैरह, वो तो आगेगा। बाकी देखिए और कंट्रियों की चालू होगी, जैसे तो लोग उधर से भी जा रहे थे कुवैत में, तो इस तरह से माहौल बन सकता है। बाकी अभी तो लॉकडाउन चल रहा है कुवैत में, 21 तारीख से देखते हैं क्या नई अपडेट आती है। अभी हम बात कर लेते हैं कि कुवैत के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने आगे की तैयारी क्या की है। जी हाँ, तैयारी की बात कर लेते हैं। तैयारी का मतलब 21 फरवरी से फ्लाइटें चालू हो रही है कुवैत में, जी हाँ, तो उससे रिलेटेड कुवैत अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने कुछ कानून अपनी तरफ से बताए कि अगर मान लीजिए कि फ्लाइट चलने के बाद में किसी भी देश का नागरिक अगर फेक पीसीआर रिपोर्ट लेके आ गया, फेक पीसीआर रिपोर्ट मतलब समझते हो कोरोना की रिपोर्ट, अब वो बहुत सारे ऐसे मामले निकलते आ रहे हैं, हालांकि आदमी नहीं चाहता कि हम फेक लेके जाए, लेकिन जहां कई जगह ऐसी जगह लोग मेडिकल करवा लेते हैं पीसीआर टेस्ट को, तो जिसमें वो फेक हो जाता है, यानी वहां की सरकार उसको मान्यता नहीं देती इसलिए वो फेक हो जाता है। बाकी वो टेस्ट हो सकता है सही हो, वो तो अपने इंडिया में चल जाता है वो सही, लेकिन वहां एयरपोर्ट पे वो नहीं चल सकता क्योंकि उसको इंटरनेशनल मान्यता नहीं है। अगर फेक रिपोर्ट लेके कोई गया 500 केडी कुवैत दिनार का जुर्माना लगेगा। भाई 500 केडी का मतलब समझ सकते हैं 1,20,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा आपको एयरपोर्ट के ऊपर, इस बात का ध्यान रख लें। गलती से भी आप तो गलती नहीं करोगे लेकिन हो सकता है आपके साथ गलती हो जाए, तो इस बात का सबसे पहले आप ध्यान रखें। 10 जगह 5 जगह उसको ट्राई करके फिर आप प्लेन की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। ये भी नहीं कि आप 1,20,000 दे के आपको एयरपोर्ट एंट्री कर दी जाएगी ना, आपको उसी फ्लाइट में जिस फ्लाइट में आए उसी फ्लाइट में वापस भेज दिया जाएगा जहां जिस देश से आप आए वहां पे। तो 1,20,000 हो गए टिकट का, यानी 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके आपको वापस आना पड़ सकता है कोरोना रिपोर्ट गलत होने की वजह से, इस बात का ध्यान रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि कोई कुवैती आदमी जैसे बहुत सारे देशों में रहते हैं वो, उनसे वो गलती हो जाए तो उनका क्या जुर्माना है। ये तो नहीं है कि भाई जो बाहर से आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर जुर्माना है, नियम तो सबके ऊपर बराबर होते हैं। अब ठीक है कुवैती आदमी फेक रिपोर्ट लेके पीसीआर रिपोर्ट लेके एयरपोर्ट में चला गया और वहां पे पता चला वो फेक है, तो उसको वापस तो नहीं भेज सकते क्योंकि वो तो उस देश का नागरिक है, इसलिए उसका दोबारा कोरोना टेस्ट होगा वहां पर, और इसकी सजा किसको दी जाएगी, एयरलाइंस, जिस एयरलाइंस जिस फ्लाइट से वो बंदा पहुंचा है उस फ्लाइट को वो सजा दी जाएगी, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं भाई, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कोरोना को जो पीसीआर टेस्ट है वो ओरिजिनल लेके जाना है, आईसीएमआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना तो दिक्कत हो सकती है। और रिपोर्ट भी लेके जाएं, ये मान के चलिए कोरोना रिपोर्ट 2021 पूरी चलेगी, ये नहीं कि मार्च अप्रैल मई में खत्म हो जाएगी ना, बिल्कुल नहीं होने वाली है। 2021 पूरी कोरोना रिपोर्ट लेके लोग हाथ में घूमते रहेंगे, ये सच्चाई है, चाहे आप कहीं चले जाना
तो इस चीज का ध्यान रखें, और रिपोर्ट ले भी लेते हो तो उसके ऊपर डॉक्टर की मोहर होनी चाहिए और उसका नंबर, फोन मोहर लगती है ना तो उसमें उसका नाम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है कौन सी ऑफिस का है, उसका नंबर आ जाता है, तो वो भी साथ में रख लें क्योंकि एयरपोर्ट वाले कई बार नाटक कर लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। दो बड़ी अपडेट थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।